तो आज मैं जिमिन के कैफे जाने वाली हूँ। ये तो हमने हमेशा से सोचा ही है कि कभी ना कभी हम लोग जिमिन या फिर बीटीएस से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, आज जब मैं कैफे जाऊंगी तो क्या मुझे वहाँ जिमिन मिलेगा कि नहीं? अब जिमिन का कैफे जाने के लिए मैं यहाँ से उड़ के तो चली नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं सोल में हूँ। तो उसके बाद मैंने किए टिकट बुक और मैंने पकड़ी भूसान के लिए ट्रेन। अब ट्रेन क्यों? क्योंकि इतनी अमीर नहीं हूँ मैं कि मैं फ्लाइट करके जाऊंगी, तो चुपचाप ट्रेन से चलो मेरे साथ। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेन बुक करोगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे ट्रेन ही तीन टाइप की होती है। पहली होती है मुंगमा, जो कि बहुत ही स्लो मोशन स्नेल की स्पीड पे चलती है। उसके बाद होती है KTX, जो कि हमारी बहुत ही तेज चलती है। फिर होती है ITX, जो कि किसी की एक्स होती है। तो अभी मैं ये वाली जो किसी की एक्स है, जो है KTX, कुछ भी इसके साथ मैं बैठ के भूसान जाऊंगी। अब देखो, ट्रेन में बैठने के बाद, वो भी ट्रेन जो सोल से भूसान जा रही है, आपके भी दिमाग में मूवी आई ना, मेरे भी आई, अरे ट्रेन टू भूसान। तो यहाँ ना आप बैठते ही ट्रेन में दुनिया भर के सारे जॉम्बी इमेजिन कर लोगे। मैंने तो स्टोरी बना ली थी कि अभी यहाँ से कोई दरवाजा तोड़ के जॉम्बी आएगा और मुझे खा जाएगा। एंड उसके बाद आपको एस्केप प्लान कैसे बनाना है आप बताना, अगर आप भी मेरे जैसे ऐसी बैठे बैठे पूरी स्टोरी बना के उसका एंड सीन में हीरो बन जाते हो। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अब ये ट्रेन का सफर करते करते आई रियलाइज कि जब भी मैं इंडिया में ट्रेन में सफर करती थी तो वहाँ पे ग्रीन वादियाँ दिखती थी, यहाँ पे मुझे सफेद वादियाँ दिख रही हैं। तो आप भी मेरे साथ ये वादियाँ एंजॉय करो। तो भूसान में ट्रेन से उतरते ही जब मैं यहाँ के स्टेशन पे गई ना, तो आप स्टेशन देख सकते हो, ये ट्रेन स्टेशन तो कहीं से नहीं लग रहा है, लग रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं बहुत फैंसी से। फिर अब मैं आपको अपना बैग एक कोने से दूसरे कोने में ड्रैग करके दिखाऊंगी, और आप ये देख रहे हो ये दो बैग एक बार में कैसे ड्रैग हो रहे हैं, क्योंकि ये है जुगाड़। एंड ये जुगाड़ बेल्ट से किया जाता है। एक बेल्ट लो और दूसरे बैग में बांध दो और एक साथ दो दो बैग घसीट लो। तो मैंने ना भूसान स्टेशन के बगल में एक होटल लिया था, होटल क्या वो हॉस्टल ही था एंड वो जस्ट बगल में था। तो वहाँ जाके मैं गई और मैंने खूब सारा खाना खाया और मैं तुरंत निकल गई जिमिन कैफे के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस वही था। तो मैं यहाँ से जा रही थी और जाते जाते मुझे दुकान देखी जिसपे इतनी ज्यादा सेल थी, वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लोर करते हैं, और जब मैंने देखा इनके इस प्रोडक्ट पे भी सेल है, इस प्रोडक्ट पे भी सेल है, इस पे भी सेल है, और तब भी इतना महंगा है, मतलब इनके पास 1000 रुपए के नीचे कोई सामान ही नहीं है। तब मुझे याद आया कि मेरे पास एक बहुत ही सुपर सॉलिड प्रोडक्ट है, वो है ये राइस क्राफ्ट। एंड इसको आप वेबसाइट से जाके कोई सा भी प्रोडक्ट या फिर कॉम्बो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो बिल्कुल सुपर सस्ते में, जो कि इंडिया में आप कभी भी मंगा सकते हो। ये कोरियन स्टाइल में आपको इंडियन प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि राइस बेस के हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट बनाता है। तो सोचो, कोरियन की चीज़ इंडिया में अवेलेबल है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑर्डर भी कर सकते हो, और मेरा अगर कोड यूज करोगे तो आपको सुपर डिस्काउंट मिलेगा। फिर अब हम जिमिन के कैफे जा रहे हैं, तो मैं ऐसे भूत जैसे बन के थोड़ी ना जाएंगे, तो मुझे थोड़ा टिप टॉप होने दो। तो मैं पूरा तैयार होकर जब मैं निकली, देन आई रियलाइज्ड कि जिमिन का कैफे मेरी लोकेशन से 6 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं टैक्सी कर लूं। देन आई रियलाइज्ड कि मैं गरीब हूं। फिर मैंने चुपचाप अपना टी मनी कार्ड निकाला एंड उसको रिचार्ज किया, और फिर मैं मेट्रो से गई। तो मैं आपको बता दूं, मेट्रो स्टेशन से भी कैफे 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलते रहना है और चलते ही रहना है, और रोड टेढ़ी हो तब भी आपको चलते ही रहना है, आपके घुटनों में दर्द होगा तब भी आपको चलते ही रहना है। तो चप्पल जूता सोच समझ के पहनिएगा और हील बिल्कुल मत पहनिएगा अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं। और अगर आप अमीर हो तो बिल्कुल बिल्कुल पतली सी पेंसिल हील में आना, कि आपकी हील बिल्कुल सुई जैसी दुबली होनी चाहिए, दिखे भी ना। तो कैफे की साइड जाते जाते आई रियलाइज कि या तो मुझे जिमिन जी मिलेंगे या तो उसके अब्बा जी मिलेंगे, जो है हमारे ससुर जी। तो अब कैफे की साइड चलते 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 मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा मैं कुछ खा लेती हूँ। तो मैं गई CVS स्टोर एंड मैंने कुछ ड्रिंक ले ली, एंड उसके बाद सीधे चलते 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 मुझे फाइनली दिख गया कैफे। अब पहला कंफ्यूजन ये था कि जब मुझे कैफे दिखा, अब मैं इसका नाम क्या लूँ, या मैं इसे मैग्नेट बुलाऊँ या फिर मैग्नाते। आप मुझे बताओ कॉमेंट में कि इसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, मैग्नेट कि मैग्नाते। अब कैफे के नाम तो मुझे साफ साफ सामने दिख रहा था। अब हमारे यहाँ के दरवाजे तो राजा महाराजा टाइप के होते हैं, तो मुझे ना ये सामने एक दरवाजा दिख रहा था, मुझे लगा ये बैकडोर एंट्री है। तो मैंने सोचा मैं घूम के चली जाती हूँ, तो घूम के देखा वहाँ पे ताला ही लगा था। देन आई रियलाइज कि नहीं, यहाँ पे कोरिया में ऐसा थीम होता है, रस्टिक पुराने जमाने वाला थीम, तो शायद इस कैफे का भी थीम यही है। अब हम लोग अंदर जाते हैं। अब जब मैं अंदर जा ही रही थी, आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे आपको पैर छूना तो बनता ही है। इतने साल हो गए थे यहाँ के दर्शन नहीं हुए, पहली बार हो रहे हैं। अंदर जाने के पहले ससुर जी के कैफे का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है।
एंड जैसे ही दरवाजे से अंदर आओगे ये इस टेबल पे इतने सारी चीजें देखोगे, ये सारी की सारी चीजें आर्मीज की साइड से जिमिन के लिए है। तो आपको अगर कुछ लाना है तो आप लाके यहाँ टेबल पे रख सकते हो एंड हमारे ससुर जी जिमिन तक चीजें पहुंचा ही देंगे, होप सो। मुझे ना ये गिफ्ट्स एक्सप्लोर करते करते ये देखो क्या मिला, आप बताओ इस कैरेक्टर का नाम क्या है एंड जो सबसे पहला नाम और सही नाम बताएगा उसको दूंगी मैं फर्स्ट प्राइज। तो अगर मैं कैफ़े को लेफ्ट से राइट देखूं तो इसका व्यू बहुत ही सुंदर सा लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा शैंडेलियर जो बीच में है एंड उसके बाद आप देखोगे मेरा मेन फोकस खाने पे था। तो ये जो इतना सारा खाना है इसको लेने के लिए आपको एक ट्रे लेनी है, फिर एक चमटा लेना है एंड इसको खाने को आराम से देख देख के समझ समझ के मैंने स्लो मोशन में खाना अपनी ट्रे पे डाला एंड उसके बाद थोड़ा और टहल टहल के मैं फाइनली गई पेमेंट के लिए। तो मुझे ये रेनबो केक खाने का बहुत मन था क्योंकि मैंने लोगों को एक केक खाते हुए देखा हुआ है एंड इतने कलर का केक खा के मेरे मुँह में वैसे ही पानी आ गया है, तो मैंने ये भी ले लिया। फिर मैं खाना लेके आई और मैं जाके बिल्कुल कोपचे में जाके बैठ गई क्योंकि मुझे यहाँ पे शांति से ये खाना एंजॉय करना था। एंड आपको एक बात और पता है, इस कैफे में सिर्फ और सिर्फ BTS के गाने बज रहे थे, सिर्फ BTS, मतलब सिर्फ BTS, मैं जोक भी नहीं कर रही। मुझे यहाँ की एक चीज और अच्छी लगी कि मुझे लगा था ना इस कैफे में आने के पहले कि यहाँ का खाना बहुत ही महंगा होगा तो मैं सिर्फ एक ही चीज खरीदूंगी, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखने के बाद इसीलिए मैंने तीन चीजें ले ली हैं। तो यहाँ पे प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है और देखने में बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ पे आके बहुत आराम से बहुत सारी चीजें खा सकते हो। और एक मजे की बात ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे जिमिन के ऊपर मैगजीन्स मिल जाएंगी जिसमें आप अपने दृश्य देख के बहुत अच्छा खाना भी खा सकते हो, मतलब ऑसम। और कानों को भी BTS सुनाई दे रहा है, मतलब तीन सेंसेस। तो अब ये कैफे एक्सप्लोर करते करते आई रियलाइज कि यहाँ पे एक वॉल थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिमिन की कैप्स थी एंड देन आई रियलाइज कि मैंने ये पढ़ा हुआ था कि ये सारी कैप्स जिमिन की परफॉर्मेंसेस में से है, मतलब समझ रहे हो ये परफॉर्मेंस में वो पसीना टपकते टपकते इसी में है वो। एंड इन कैप्स के बगल में देखो तो ये देखो ये क्या है, दिख रहा है आपको, ये तो मेरे घर में था जब बहुत ही छोटी सी थी मैं। आपके पास भी है क्या लोहे की अलमारी? फिर आई रियलाइज कि मैंने आपको कहा नहीं था यहाँ पे रस्टिक वाला थीम है, तो यहाँ पे ये ओल्ड टाइप का थीम है, तो आपको टूटी दीवारें, टूटा हुआ कुछ भी और पुराने जमाने की चीजें, तो ये पूरा कैफे ही इस थीम में था। एंड उसके बाद यहाँ पे एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स थी वो सारी की सारी पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ जिमिन की थी, तो मैंने सबके साथ बहुत ही सारी फोटो खिंचाई, सबको रिकॉर्ड भी किया एंड मैंने अगल बगल की चीजें बार बार रिकॉर्ड की। मैंने आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं पता है यहाँ पे वॉशरूम में गई थी एंड मैं आधे घंटे तक वॉशरूम में ही रही ये सोच के कि यहाँ पे जिमिन कभी ना कभी तो आया ही होगा या फिर वो यहाँ आता ही रहता होगा और जब भी उसके पापा आते होंगे तो पापा से मिलने तो पक्का ही आता होगा। तो बस मैं उसी सोच में ही वॉशरूम में रह गई एंड देन आई रियलाइज कि 30 मिनट गुजर गए हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जैसे ही कैफे के घूम के उस साइड जाओगे तो आपको यहाँ पे ना एक प्लेस मिलेगी जहाँ पे आप आराम से फोटो खिंचा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारी फोटो खिंचाई एंड जब मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ अब मैंने फोटो खींच ली है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने गाने सुन लिए हैं पर मैं थक गई थी, तो फिर मैं फाइनली वापस चली गई। अब मैंने कैफे तो एक्सप्लोर कर लिया लेकिन भूसान में सिर्फ मैंने कैफे ही नहीं देखा, मैंने बहुत और सारी चीजें भी की हैं। एंड मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो मैंने ये साड़ी भी पहनी थी, वो भी लाल कलर की साड़ी, राजमाता ही लग रही थी मैं। एंड आपको जानना है कि मेरे साथ रेसिज्म हुआ था या फिर सब लोगों ने मेरी मिलकर तारीफ की? आपको जानना है देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर एंड आपको पता चल जाएगा सब कुछ।